हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यह सही नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब से प्रधानमंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया अपने घर गणेश पूजा पे, उन पर भी एक पूरी फौज उतर गई है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, ट्रोल करने के लिए। तब तक वो जो कर रहे थे सही थे, लिबरल इकोसिस्टम के वो लिटरली डार्लिंग थे, लेकिन जिस दिन से वो गणेश पूजा हुई है उस दिन से तमाम लोग उनके बारे में क्या दिख रहे हैं। और आज उन्होंने ये भी साफ किया, ये भी साफ किया कि ऐसे ये सोशल ओकेजन होते हैं, इसमें कोई न्यायालय वाली बात नहीं होती। लेकिन नहीं, इकोसिस्टम नाराज तो नाराज, कटेंगे बटेंगे, सेक्युलर हो जाता है अगर शिवपाल जी कहें, कटेंगे बटेंगे कम्युनल हो जाता है अगर योगी जी कहेंगे, ये कैसे? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि ये अच्छा है कि इस पर बहस चर्चा इस तरह से हो रही है, और इस पर जितना इसको कहा जाएगा कि ये बड़ा वायलेंट है, हिंसक बयान है, उतना अच्छा है। देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, हर भारतीय को इस चर्चा में ठीक से शामिल होना चाहिए। और ये बार बार कहा गया है, इस देश में हम जिसको कहते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा जो इतिहास है, हम जब उसकी बात करते हैं तो रामायण में विभीषण से लेकर और जो थोड़ा पहले तक इतिहास में जयचंद तक, हम उनको किस तरह से देखते हैं? बटे ही तो गए थे ना हम, चलिए दूसरी तरह से मान लें, तो भी अगर बटते ना तो कटते ना, आप उसके दूसरे संदर्भ मान लें, किसी का बुरा अच्छा अपनी जगह है, लेकिन अगर घर में बंटवारा होगा, घर में कमजोरी होगी तो कटना तय है। और इसको कहने का तरीका अलग हो सकता है, ये भी एक तरीका है जो संघ की तरफ से आया कि जब जब हिंदू भाव को भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ऐसे भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी वाला भी कह सकते हैं जो अभी शहजाद ने बताया। लेकिन कुल मिला के क्या ये ठीक है कि अखिलेश यादव कहें कि पीडीए भी नहीं बटने वाला है? और शिवपाल जी जो कह रहे हैं, देखिए मैं उसको मानता हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर उससे पहले छात्र राजनीति में रहते हुए, और जो जो मेरी याद है, शिवपाल जी की ये छवि है बड़े, मतलब इस मामले में विख्यात हैं, वो तय कर लेंगे तो पीट देंगे नविका जी, इसमें आप कमजोर मत समझिए उनको, और उनका पूरा इतिहास ही रहा है। यहां तक कि आपको याद हो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, वो उनके साथ हुआ करते थे, तो अखिलेश यादव से झगड़ा इस बात पर हुआ, जब मुलायम सिंह और अखिलेश में झगड़ा चल रहा था तो शिवपाल चाहते थे कि पूरी तरह से ये दोनों लोग साथ में रहें। आज तो दोनों हैं नहीं, मरहूम हो गए, लेकिन ये शिवपाल जी के लोग थे। हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में सबने देखा है। और क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि ये कहने के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए तो बटेंगे तो कटेंगे तो हिंसक है, और उसके बाद चुनाव बाद पिटेंगे? ये बड़ा अच्छा बयान है, ये मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करता है। और ठीक है, तहसीन भाई कह रहे हैं तो बढ़िया, अच्छे से इस पर और चर्चा कीजिए, आप बार बार इसकी चर्चा करते हैं, दंगाई दंगाई दंगाई, तो मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड उठा कर देखिए, कांग्रेस की सरकारों में दंगा कहाँ हुआ, भी बता दीजिए, बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में हर जगह की खबर रहती है, किसके बीच में क्या हुआ, कैसी बातें हुई, बहराइच में क्या हुआ, बहराइच में दुकानें फूकी गई, बहराइच में प्रशासन ने दंगा करवाया, दंगा होने दिया, और प्रशासन ने पहले से, जब उनको पता था कि कहीं पर हर साल निकलता है ना ये मूर्ति विसर्जन का एक जुलूस, तो प्रशासन कहाँ था? और केवल वो एक इंसिडेंट नहीं था, ये मैं क्लियर करना चाहूंगी, आज भी बहराइच में पुलिस फोर्स लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जरा थोड़ा बात कर लीजिए उस पर भी कि उत्तर प्रदेश किस तरह जलाया जा रहा है। तो शौक देखिए, यही मुश्किल है, थोड़ी देर का धैर्य भी नहीं रख पाते हैं आप लोग, मुश्किल बहस नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, बहस में भी हिंसक हो जवाब दीजिए, जयचंद की बात बाद में करिएगा, नहीं नहीं, जयचंद तो जो है वो जयचंद ही रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, अच्छी तरह जानते हैं, बहराइच पर जवाब दीजिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, बहराइच पर हो गई, आप बहराइच पर जवाब दीजिए, देश के लोग कहा गया कि बहराइच में दंगा नहीं हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, भ्रम आनी चाहिए आप लोगों को, और जब बहराइच में जो हो रहा है उसका माहौल उड़ा रहे हैं, सबकी ऊपर जाते हैं राजनीतिक दलों के, आपका प्रशासन अशक्त हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह का
जलने का वातावरण उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर 2013 भी याद कर लीजिए जूही जी, मुजफ्फरनगर 2013 भी याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल याद कर रही हूँ नविका जी, मैं बिल्कुल याद कर रही हूँ, किसने कराया वो भी याद कर रही हूँ। विवेक जी आ रही हूँ, लेकिन सीधा सवाल पूछा गया हर्षवर्धन त्रिपाठी, जवाब देना चाह रहे हैं जूही जी, जरूर सुनिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड। दुकानों को फूका हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं तो आपके साथ बहस में रहा हूँ निरंतर, और मैंने पहले दिन से कहा प्रशासन की गलती है, लापरवाही है, उसका सुधार होना चाहिए। वो हत्यारे पकड़े गए, हत्यारोपी पकड़े गए हैं, ये करना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से उन हत्यारों के साथ एक पार्टी खड़ी है, ये दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि सर्वाधिक दंगे जिन सरकारों के कार्यकाल में हुए वो बना रहा है, और आप कह रहे हैं गलती है। नविका जी आप अपने भद्रता होती है जूही जी, जूही जी आपने जवाब मांगा है तो सवाल है, सवाल आपने पूछा है, जवाब मांगा है तो जूही जी सुन भी लीजिए ना, जवाब सामने आ जाएगा। मैं जवाब सुन लीजिए फिर आपको समय दूंगी। त्रिपाठी जी अपनी बात खत्म करें। उत्तर प्रदेश में दंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में हुए हैं, और मुजफ्फरनगर के दंगे तो ऐसे हैं कि उसका घाव अभी तक नहीं भरा, इसीलिए बीच बीच में जिसको कहते हैं ना कि अंदर से मुश्किल खड़ी हो जाती है, विभिन्न समाजवादी पार्टी मुश्किल खड़ी होती है, और कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में दंगों का इतिहास है। मैं तो रिकॉर्ड के तौर पर कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकारें आई, दंगे होने बंद हो गए। लखनऊ में फोन किया देश के हर हिस्से में, पुलिस मुख्यालय में मैं डीजीपी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको बुला लें, इनको बुला लें, डीजीपी बुला लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुला लें, ये बयान दे दें जिससे कि हमारा बहराइच कम से कम जो जलता हुआ है वो शांत हो, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिले। लेकिन लेकिन एक मिनट, ये मेरी डिबेट पीडीए पर है, पीडीए वर्सेस कटेंगे बटेंगे, लेकिन मैं इस मुद्दे को वापस सेंटर स्टेज लाते हुए विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आज निशिकांत दुबे जी ने भी एक मुद्दा उठाया है, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, दलितों के, तो आप हिमायती है ना, अब वो कह रहे हैं कि वहां झारखंड में बांग्लादेश से आए हुए लोग बस गए हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, और वहां के ट्राइबल्स घट गए हैं, पिछड़े घट गए हैं। आपको दर्द नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये आपके वोटों के लिए सही है, ये आपको लगता है? ये देखिए, ये डर का प्रोपोगंडा है, इसको कहते हैं डर का प्रोपोगंडा। और ये कम्युनिस्टों ने इंटरनेशनली बहुत झेला है, हमें वायलेंट दिखा करके, हमें गलत दिखा कर, हमने इंटरनेशनली भी इसको बहुत झेला है, तो हमें एक्सपीरियंस है। ये दिखाइए डर, बांग्लादेशी आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी, मुसलमान ज्यादा होगा तो अगर हिंदू कम रह रहे हैं उनके बीच में वो मार दिए जाएंगे, लेकिन हिंदू अगर ज्यादा है तो मुसलमान सुरक्षित है। ये जो नैरेटिव है ना, ये इसके ऊपर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने बोला है कि बटोगे जो कटोगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू जो है अपने अपने कास्ट के हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स की मांग करते हैं और बढ़ते हैं डिसिसिवली, तो अचानक जो माइनॉरिटीज हैं वो काटेंगी उनको, इसका यही इंटरप्रिटेशन है ना? और क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मैसेज आप देने जा रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये क्यों नहीं बोलते कि हिंदू और मुसलमान ना बटे और इकट्ठे रहे, भारत एक रहे, सारे धर्म एक रहे, और कोई विदेशी हमें काट नहीं पाएगा? ये बोला मुख्यमंत्री ने? नहीं बोला ना, धर्म के आधार पे बढ़वाने की कोशिश है। और क्यों, क्या गलत बोला शिवपाल यादव ने? मैं एंडोर्स करता हूं उनकी बात को, कि अगर सत्ता में आएंगे तो इस तरह के डिविजिव बयान धर्म के आधार पे जो भी देगा पुलिस को पीटना चाहिए, उसको केसेस करने चाहिए, जेल में डालना चाहिए। आज आपको मैं सचमुच एक उपाधि देती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ वोट जिहाद पर आपकी कभी आवाज नहीं निकली।